मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण मामले का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जिला उपायुक्त के आदेश पर पुलिस ने 6 पटवारियों सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। दादरी मुंबई रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला गर्माता जा रहा है, जहां जून महीने की शुरुआत में जमीन अधिग्रहण मामले में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था, तो अब जाकर इस मामले में 6 पटवारियों समेत 8 कर्मचारियों के नाम भी शामिल हुए हैं। इन सभी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ, तो वहीं शुरुआत में इस घोटाले में एसडीएम कंवर सिंह, जितेंद्र सिंह और नरेश कुमार का नाम भी सामने आया था, जिनमें से एसडीएम कंवर सिंह को निलंबित किया जा चुका है, तो वहीं बाकी के 2 एसडीएम कंवर सिंह, जितेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एक पत्र क्रमांक नंबर 35/63 उपायुक्त महोदय पलवल के कार्यालय से पश्चिमी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण की मुआवजा में अनियमितता के रोड के संबंध में थाना में प्राप्त हुआ, जिससे धारा 420/120 IPC के तहत अभियोग पंजीकरण किया गया है और ये अभियोग रेलवे डिपार्टमेंट के पटवारी और अदर ऑफिसरों के खिलाफ आपका इंक्वायरी नाम दर्ज किया गया है। अभियोग के अनुसंधान जारी है और 31 में जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब दादरी से नवी मुंबई रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के लिए पलवल के करीब 10 गांव की जमीन अधिग्रहण की गई। इनमें से 4 गांव की जमीन को रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का अवार्ड घोषित कर दिया गया। रेलवे की पॉलिसी के अनुसार जिस किसान की जमीन अधिग्रहित की गयी थी उसे सरकारी नौकरी या फिर 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाने थे। करीब 100 गज जमीन के लिए 400 मालिकों को 22.5 करोड़ रुपए अवार्ड घोषित किया गया था। रेलवे अधिकारियों को 22.5 करोड़ रुपए की राशि जारी करते हुए शक हुआ। अधिकारियों ने इस मामले की शिकायत सीएम से की, जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ था। उसमें पटवारियों के और एजेंट के रीडर हैं, उनके बाई नेम दर्ज करवाई। जब जमीन संबंधी कार्ड मुआवजा वितरण का अधिकार जमीन किसकी थी, जमीन कार्ड के अनुसार किसको मुआवजा मिलना था, किसको अधिकृतता हुई है, उनका रिकॉर्ड प्राप्त होने पर फाइल के साथ से आने पर इस पूरे मामले की जांच के लिए पलवल उपायुक्त के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। अब तक इस मामले में 20 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है। बता दें कि इन अधिकारियों कर्मचारियों पर आरोप है कि इन अधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण के दौरान अपने परिचित लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन खरीदवाई थी। इससे पहले इस मामले में 3 एचसीएस अधिकारियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। हरियाणा के गुरुग्राम और सिरसा में आग का तांडव देखने को मिला। गुरुग्राम के खांडसा रोड पर जहां 2 दुकानों में आग लग गई, तो वहीं सिरसा में PNB बैंक के परिसर में आग ने अपना तांडव दिखाया। गुरुग्राम की खांडसा रोड पर आग कैसा तांडव देखने को मिला, जिसने लाखों का नुकसान कर दिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से खांडसा रोड पर घंटों तक आग लगी रही। इस भयानक हादसे में आग से बिजली की चिंगारियों के निकलने का सिलसिला भी काफी देर तक देखने को मिला। हालांकि इस बीच फायर ब्रिगेड की तरफ से लगातार आग पर काबू पाने की कवायद जारी थी, लेकिन देखते ही देखते इस भयंकर आग ने 2 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें खंबे के साथ लगती एक ट्रेलर और दूसरी केमिस्ट की दुकान थी, जो हादसे में पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। हादसे के बाद आग पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी ओर सिरसा में करीबन ऐसा ही हादसा सामने आया। इस हादसे में पंजाब नेशनल बैंक के परिसर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी।
आग की इस घटना में फर्नीचर समेत 10 से 12 कंप्यूटर और बिजली उपकरण जलकर राख हो गए। जैसे ही सूचना मिलते पर हम मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचते ही देखा कि हमने कि सभी बैंक के लॉक लगे हुए थे और मैंने कंट्रोल रूम में फोन किया कि आप ऐसे चूंकि देख रेख में हमें लॉक काटेंगे और लॉक को हमने काट के उसके अंदर आग देखी तो आग एक कोने के अंदर लगी हुई थी जो मौके पर हमने आग बुझा दी है और इसके अंदर लगभग कंप्यूटर है 10-12 के करीब और फैन है और फर्नीचर है, कैमरे हैं, सभी जले हुए हैं। गनीमत यह रही कि दोनों ही हादसों में किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। आपको बता दें कि लगातार गर्मियों के मौसम में इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं और शॉर्ट सर्किट के वजह से जगह जगह पर आग की खबरें सामने आती रहती हैं। बहरहाल दोनों आगजनी के मामलों में दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। फतेहाबाद में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर ट्रक यूनियन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रक चालकों ने कहा या तो तेल की कीमतों में कमी लाई जाए या फिर उनका माल भाड़ा बढ़ाया जाए, वरना ये प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले सकता है। बढ़ती महंगाई, ऐसा मुद्दा जिसके बारे में बात तो सभी करते हैं, ऐसा मुद्दा जिससे परेशान भी सभी हैं, लेकिन अभी तक मुद्दे का हल नहीं हो पाया है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। कई जिलों में किसान भी तीनों कृषि कानूनों के साथ साथ महंगाई को लेकर भी धरना प्रदर्शन कर रखे हैं। वहीं फतेहाबाद के रतिया में एक ट्रक यूनियन ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रक चालक बढ़ती महंगाई से परेशान थे, लेकिन आजकल हर दिन बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमत इनकी परेशानी को ज्यादा कर रही है। डीजल की कीमतें ने जड़ियां वो आसमान छू गई ने, 90 रुपए तो क्रॉस कर गया रतिए डीजल, तो ट्रकों को कुछ नहीं बच रहा। इस करके असी अज 5 शहरों के मैंबर इकट्ठे हो के असी आपके रेट बनाए हैं और वो रेट अज असी आपकी मार्केट के दे रहे हैं। अगर असी पिछले रेटा से काम करते हैं तो सानू 2 रुपए की भी आमदन नहीं, पल्यों पैसे पै रहे हैं। किस्तां 3-3 टुट गई ने, पिछले लॉकडाउन की मार पै गई, उस तो पिछले भी लॉकडाउन की मार पै गई, पूरे ट्रांसपोर्टर फेल हो गए। ट्रक यूनियन की मांग है कि बढ़ती तेल की कीमतों के साथ साथ ट्रक के माल भाड़े को भी बढ़ाया जाए ताकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उन्हें आर्थिक नुकसान ना झेलना पड़े, या फिर सरकार समय रहते पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर कोई बड़ा फैसला ले, नहीं तो ट्रक यूनियन अपने इस धरने को पूरे प्रदेश में आंदोलन का रूप देंगे। रेट मिलूगा असी गड्डी भेजांगे, वरना साडा सारा एका हो गया रतिए दा। कोला तो भी आ रहे ने, फतेहाबाद तो भी है, बाकी सारे सत्से बोहा बलाटा सारे साडे नाल है भाईचारे दे। साडी पहली मीटिंग है, पहला भी इस तो करी मुंडिया ने, हुण सानू उपरों आदेश आ गया भी तुसीं इह धरने नू जारी रखो और गड्डियां नू भरना बंद कर दो। कोई व्यापारी नू असी गड्डी नहीं देनी, सानू पूरा रेट मिलूगा ते गड्डी देनी है, वरना असी गड्डी नहीं देनी। रेट लिस्ट असीं तैयार कर ली आ, अजय रेट लिस्ट नहीं बिल्कुल जायज तैयार करी आ, पड़ता ये नहीं लगता क्योंकि जेडे पहला दे पाड़े आ ना वो सन 14-15 दे लैके 21 आ गया, वो ही पाड़े चल रहे उदों तेल 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये से, जेड़ा अज तेल 100 रुपये हो गया, 100 रुपये नहीं होया तो 1-2 रुपये घाटा हो जूगा। ट्रक यूनियन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो पुराने रेट पर काम नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि ट्रक यूनियन के इस फैसले के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर क्या फैसला लिया जाता है, या फिर अब किसानों के बाद ट्रक यूनियन भी प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। रोहतक में एक युवक का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक इसी होटल में काम करता था। रोहतक के शिवाजी कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव होटल की सीढ़ियों पर लहूलुहान हालत में मिला। जानकारी के अनुसार मृतक कारीगर का काम करता था और इस होटल में किसी काम के सिलसिले में आया था। तो वही घटना की सूचना के बाद शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस और मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची FSL की टीम घटना की जांच कर रही है। जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भिजवा दिया गया। परिजनों के मुताबिक युवक की किसी के साथ जाति दुश्मनी नहीं थी।
पुलिस इस तरह के कयास लगाने में लगी हुई है कि शायद युवक शराब के नशे में था, जिसके चलते युवक की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में युवक की मौत का क्या कारण निकलकर सामने आता है। रोहतक जिले के कस्बा कलानौर की अनाज मंडी से लगभग 2 करोड़ रुपए की सरसों गायब होने का मामला सामने आया है। जिस कर्मचारी को वेयर हाउस की सुरक्षा के लिए रखा गया था, वो कर्मचारी भी पिछले कुछ दिनों से लापता बताया जा रहा है। रोहतक के कलानौर की अनाज मंडी से लगभग 2 करोड़ रुपए की सरसों गायब हो गई। स्टेट वेयर हाउस से 6000 से ज्यादा सरसों से भरे बैग गायब हो गए। सरसों से भरे बैग्स को धरती निगल गई या फिर आसमान खा गया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इतना ही नहीं, जिस कर्मचारी को वेयर हाउस की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कर्मचारी भी काफी दिनों से लापता थे, जिसका फोन भी स्विच ऑफ बताया गया। तारीख को डीएम साहब श्री जितेंद्र जी यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि सरसों के पत्ते काफी मात्रा में कम थे, तो जिसकी उन्होंने अपना जल भरी कमेटी गठित की। उस कमेटी ने 2 तारीख को यहाँ पर पीवी की है। पीवी में टोटल 1727 सरसों के कट्टे पाए गए और 6512 सरसों के कट्टे गायब मिले, जिससे कमेटी को शक हुआ कि राजेश अग्रवाल जो इसका इंचार्ज था और SIS जिसको सिक्योरिटी का जिम्मा दिया हुआ था, ये मतलब उन्हों की देख रेख में रखे गए थे, तो उन्होंने उन पर शक जाहिर करते हुए हमें लिखित में कंप्लेंट दी है और जिस पर FIR दर्ज कर दी जा चुकी है और इसकी जांच जारी है। वेयरहाउस प्रबंधक ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके 8000 से ज्यादा सरसों से भरे बैग कलानूर अनाज मंडी के HACMB गोदाम में रखे थे, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कर्मचारी राजेश ग्रेवाल और जांच एजेंसी SIS के पास थी। जिस दिन से कर्मचारी को सरसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, उस दिन से उसका फोन बंद बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, कर्मचारी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर करोड़ों की सरसों कहां गायब हो गई। झज्जर जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहर में गंदे पानी की निकासी को लेकर भी जायजा लिया, साथ ही नगर परिषद के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। झज्जर जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहर के गंदे पानी की निकासी का भी जायजा लिया और नगर परिषद के अधिकारियों को समय रहते शहर के नालों की सफाई करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उपायुक्त ने शहर में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने दुकानदारों से खुद इस बारे में प्रशासन की मदद करने का आह्वान किया और नगर पालिका को भी निर्देश दिए कि अगर कुछ समय दिए जाने के बाद भी अतिक्रमण जो का त्यो बरकरार रहता है, तो फिर नगर पालिका शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाए। प्रशासन की तरफ से शिकायतें प्राप्त हुई थी कि नेरियाज में जो ड्रेनेज का सिस्टम है या सैनिटेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसी के मद्देनजर और आगामी बारिश के सीजन को देखते हुए नालों की जो साफ सफाई है उसका एक सरकारी तौर पर मुआयना किया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। अभी जब हम खड़े हैं पुराने बस स्टैंड की जो जगह है, इसमें ये क्योंकि जो रोड का लेवल है उसके 4-5 फीट नीचे है, इसमें गंदगी के भी ढेर लगे हैं, तो दुकानदारों से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आगे से अपनी अपनी दुकान में डस्टबिन रखें और सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा ना डालें। इसके अलावा उपायुक्त ने शहर के पुराना बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने आसपास के दुकानदारों से अपील की कि वो गंदगी ना डालें। रोड का लेवल है 4-5 फीट नीचे है, गंदगी के भी ढेर लगे हैं, तो दुकानदारों से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आगे से अपनी अपनी दुकान में डस्टबिन रखें और सार्वजनिक स्थान पे कूड़ा ना डालें, और वॉशरूम की भी एक इनकी डिमांड उसमें भी इनको बताया, तो जो म्यूनसिपल कमेटी है वो रोड के साथ टाई अप करके और ये वॉशरूम का अरेंजमेंट करवाएंगे। एकदम साफ सफाई करके उसको यूजेबल बनाया जाए। वेंडर्स एक्ट में प्रोविजनिंग किया है कि उनको एक प्रॉपर स्पेस मिले ताकि बाजार में क्लटरिंग कम हो या ना, इस स्पेस का भी प्रॉपर एक यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए भी सीएम रोड। दरअसल शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण, ड्रेनेज सिस्टम और सैनिटाइजर सिस्टम को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जिला उपायुक्त ने खुद फील्ड में उतर कर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए।
कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्राओं की परीक्षाएं ऑनलाइन हुई, तो वहीं अब इन छात्रों की मांग है कि उनके एग्जाम भी ऑनलाइन ही लिए जाएं, साथ ही एग्जाम में अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र पर पड़ा है। इस महामारी के चलते लाखों छात्रों ने घर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई की, तो वहीं सरकार ने भी इस दौरान ऑनलाइन शिक्षा को ही बढ़ावा दिया। इस बीच सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि उनकी एग्जाम भी ऑनलाइन आयोजित किए जाएं, साथ ही उन्हें किन्हीं 5 प्रश्नों के जवाब देने की सुविधा भी दी जाए। छात्रों का कहना है कि वो इससे पहले भी अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं। यहाँ के 14 तारीख से ज्ञापन देने स्टार्ट किए थे, 14 को हमने कॉलेजों में डलवाए 8 कॉलेजों में, और परीक्षा कंट्रोलर साहब को, 15 को कुलपति महोदय को और जयवीर यादव को उपायुक्त के नाम से, 16 को हमने सांसद महोदय के नाम से ज्ञापन दिया, फिर 21 तारीख को जो मुख्यमंत्री सिरसा आए थे तो हम उनसे 25 जनों का विद्यार्थी डेलीगेशन मिला था। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि वाइस चांसलर के हाथ में, हमने उनको यही बोला था कि वाइस चांसलर जी के हाथ में है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियों ने कर दिया है, सिर्फ ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये करवा दूंगा, मगर आज तक कोई नहीं है। कल कंट्रोलर जी का एक मीडिया में बयान आया कि 5 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और ऐसे ही 15 जुलाई से लास्ट सेम के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो विद्यार्थी असमंजस में, ऑनलाइन पेपर हैं, पढ़ाई ऑनलाइन करवा रहे हैं और पेपर ऑफलाइन ले रहे हैं। तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अलावा प्रदेश के बाकी सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन एग्जाम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों का कहना है कि सिर्फ उनके कॉलेज में ऑफलाइन एग्जाम आयोजित किए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब उनकी क्लासेस ऑनलाइन हुई तो फिर परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित क्यों करवाई जा रही है। कहते हैं कि विद्यार्थी यूनिवर्सिटी प्रशासन बच्चों को ये सहूलियत दे दे, उन पे छोड़ दे, ऑप्शन दोनों दे दें, ऑनलाइन ऑफलाइन का, बच्चों की मर्जी हो, वो कोई भी अटेम्प्ट करना चाहते हो, मगर ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ अटेम्प्ट एनी 5 जरूर होना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ छात्रों की परीक्षाएं 5 जुलाई तो कुछ छात्रों की परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होनी है। ऐसे में अब इन छात्रों में परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि इन छात्रों की कब तक सुनवाई होती है। पलवल के पौस इलाके हुड्डा सेक्टर 2 में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक अनूप जिम करने आया था, जिस पर दर्जनों गोलियों से वार किया गया। पलवल में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अब शहर पौस इलाके में हुड्डा सेक्टर 2 में एक युवक की पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गयी। जानकारी के अनुसार अलावलपुर गाँव निवासी 31 वर्षीय अनूप बीते रात जिम गया था। उसका छोटा भाई लोकेश भी उसके साथ था। लोकेश जिम में रुक गया था, जबकि उसका बड़ा भाई अनूप जिम के पास अपने ममेरी बहन के घर पर मिलने के लिए गया था। इस दौरान पहले से ही ताक में बैठे एक मोटरसाइकिल और कार में आए हमलावर बदमाशों ने अनूप पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। छोटा भाई और ये बड़ा भाई, ये दोनों गए थे जिम पे, जिम करने। हुड्डा सेक्टर 2 में दो, मतलब लगता बॉर्डर पे है, बम्बा क्रॉस करके, नाला क्रॉस करके वहाँ गए थे। तो उसमें बड़ा भाई तो बैठ गया था, वहाँ बहन जी है, मामा की लड़की है वहाँ, तो उसके घर के बाहर बैठ गया था, उनसे पानी वानी मांग रहा था पानी पीने के लिए। छोटा भाई चला गया था जिम करने, जिम के अंदर थोड़ी देर में ही करीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ही फिर यहाँ पे गोलियाँ चलने की आवाज़ आई थी। उसमें छोटा भाई आया था भाग के देखने के लिए, तो उसने देखी कि जैसे गोलियाँ चल रही हैं, तो जैसे ही छोटे भाई पे नज़र पड़ी उस पर भी वारदात हुई है। जिम संचालक ने बताया कि जिस समय गोलियां चली उस समय जिम में कई लोग मौजूद थे, और जैसे ही गोलियों के चलने की आवाज सुनाई दी तो जिम कर रहे सारे लड़के डर कर छत के ऊपर भागने लगे। गाड़ी जब आवाज आई है उल्टी गोलियों की, जब सारे बच्चे, हम तो छत में भाग गए थे ऊपर, मैं उनके साथ भाग गया। जब गाड़ी गई है तो छत पे समय देखी है, आगे नाला है, नाले पे से जब सीधी गई गाड़ी, जिम के पीछे उनके रिश्तेदार का घर है वहाँ पे। पलवल सिटी थाना प्रभारी अनूप कुमार ने भी मामले को लेकर जानकारी दी है। ये लड़का जो मरने वाला है अनूप, ये जिम करके गया था अपने रिश्तेदार के वहाँ, बैठा था पानी वगैरह पी रहा था। इनकी पुरानी दुश्मनी 10-12 साल पहले इन्होंने मर्डर किया था, दूसरी पार्टी इसके पीछे लगी हुई थी, उसको काफ़ी गोलियाँ मार के वहाँ मौके पर दम तोड़ दिया था।
उसके बाद उन्होंने आज 27 तारीख को एप्लीकेशन दिए जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया 147/3025/1965 जिसमें 5 आरोपियों का आया है नाम। फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 3 नामजद सहित अन्यों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। रोहतक के नयाबास गांव में अवैध शराब से भरा ट्रक बरामद हुआ है जिसमें 399 पेटी शराब की बरामद की गई है जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। हरियाणा में इन दिनों अवैध शराब की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अवैध शराब के कारोबार में शामिल होकर पैसा कमाने की जुगत में लोग लगे रहते हैं। इसी के चलते पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और ऐसे लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में रोहतक जिले में नयाबास गांव में शराब से भरा हुआ एक ट्रक बरामद हुआ जिसमें 399 पेटी शराब बरामद की गई जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल एक नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कि नयाबास बाईपास पर गांव में खाली जगह पर शराब की एक गाड़ी भरी हुई खड़ी है। जो सूचना मिलने पर मैं अपनी टीम सहित वहां पहुंचा और गाड़ी वहां खाली प्लाट थे पंचायती जमीन वहां पर खड़ी हुई मिली। गाड़ी देखी तो उसमें शराब भरी हुई थी। एक्साइज इंस्पेक्टर की मौजूदगी में शराब का की चेकिंग शुरू की गई तो 399 पेटी शराब मिली उसमें। मामले में सांपला पुलिस चौकी इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपी महेश के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अभी तो महेश वास इस्माइला का नाम सामने आया है। बाकी महेश के बारे में और गाड़ी मालिक का के बारे में पता करके पूर्ण कार्रवाई गहनता से तफ्तीश की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पता लगाया जा रहा है कि इस धंधे में कौन कौन लोग शामिल है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। सोनीपत के गांव थाना कला में तालाब के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनीपत के गांव थाना कला में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के तालाब के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला। मामले में परिजनों का कहना है कि अंकित किसी काम से घर से बाहर निकला था लेकिन समय पर घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस ने सूचना दी कि उसका शव गांव के तालाब के पास मिला है। ग्रामीणों ने पूछताछ में बताया कि उसके साथ 3-4 और दोस्त थे लेकिन हमें किसी पर कोई शक नहीं है। पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। मामले में जांच अधिकारी नरेश ने बताया कि अंकित के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और शव के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असल वजहों का पता चल पाएगा। मामले में पुलिस ने जांच शुरू करने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।